मुन्ना लाल उसे कह रहे इसमें हेडफोन का हमें पूछिए सब जमा है फोन लेगा है वही बता रहे हम बोला आज लीड रख के नहीं हेडफोन लेके हम घूमेंगे नहीं नहीं कोई सामान है तो दे सामान भाई जमा पैसा जो है 5,000 रुपया हमारे सामने जमा हुआ ये मैं गवाही हूँ ठीक तुमसे निकाल के पहरा वाले ने दिया उसको जब हम देखे नहीं तो आपने ले लिया गाड़ी में पर ले लिए पैसा भी ले लिया तो तीन गाड़ी में आपने 1200 लिए थे जो तुम उससे लिए थे वो पैसा हम लिए थे बाकी पैसा वही निकाल के वही जमा हुआ 5,000 जमा कर दिए थे बता तो रहे जमा कर 1200 जो ये लिया था उस गाड़ी वाले वो दिखा दिया होगा आपने वो पैसा दिखा दिया गया अच्छा बाकी ये पैसा इसका जमा हो गया हाँ वहाँ जमा हो गया कि वापस आएंगे तब अपना मिलेगा आप बात करो किससे इंस्पेक्टर साहब से एसओ साहब से साहब इसका पैसा जमा कराए थे फोन मिलाओ पहले तुम फिर बताओ हमका पहले तुम मिलाओ इंस्पेक्टर साहब हाँ मिलाओ 75 पर मिला मिलाओ मिलाओ बिल्कुल मिलाओ हमको बताओ नंबर पहले तुम मिलाओ फिर हमने कहा पारा वाला दिया हम खड़े थे सर मुन्ना लाल खुद तलाशी लेके जमा करवाए था कहना है कि हमने इतना ये सामान रक्षपाल को दिया हमको हाँ हमको कह देंगे आपने कहा क्यों तुमने जमा किया था वहाँ हमको कह देंगे 5,000 रुपया इसकी घड़ी इसका कान वाला है रुपये बता तो रुपया दिया था ना ज्ञान तिवारी से बात करो भाई जमा तो आप किए थे ना हम नहीं ज्ञान तिवारी को दिया है उन्होंने दिया आपको बताओ अरे साहब मुन्ना लाल साहब खुदे तलाशी लेवाए ही बल्कि हेडफोन के लिए हमसे पूछे हम जाने लगे तो पारा से कह रहे अरे उसका हेडफोन भी था पारा का नहीं नहीं साहब सब जमा करो सामान कुछ दाखिल करो क्या नाम है भैया आपका आप कहाँ रहते हैं मड़ियाओं जो आप जेल गए थे किस धाराएं में काकोरी से जेल गए थे आप 386 में 386 लगाया गया था आपके ऊपर जो आप जेल की छूट आपका क्या क्या सामान था वहाँ पर हमारा घड़ी था हेडफोन था और पावर बैंक था और 5,000 रुपए थे अच्छा तो आपको क्या क्या मिला है अभी तक खाली फोन मिला है फोन मिला है तो पैसे के लिए क्या बताया गया पैसे बोले है नहीं पैसे और जो हेडफोन था और घड़ी थी आपकी वो मैंने जमा किया था मगर जमा कि मुलजिम क्यों दे दिया गया चीज आपकी थी आप दूसरे क्यों दे दिया गया वो दीवान जी ने बताया था दीवान जी बताए हैं